जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि रेमडेसिविर जो इस समय कोरोना पेशेंटों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये कैसे काम करता है, क्या है इसके टेक्निक्स, इन्हीं सारी बातों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन से ही जो नई बीमारी निकली है ब्लैक फंगस, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, उसके बारे में क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन से ही ब्लैक फंगस हो रहा है या क्या है इसके सिस्टम्स, इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। जिसके बारे में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो हमारा कोरोना वायरस होता है, यह इसके लिए जो इसमें दो चीज सबसे महत्वपूर्ण है, एक इसका स्पाइक प्रोटीन जो नुकीले बाहर लगे रहते हैं से, 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 और दूसरा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो इसके अंदर होता है वो एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है। आरएनए मतलब सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी जैकेट वैकेट पहनी होगी तो बंद करने वाला जो चैन होता है, अगर चैन बंद हो गया तो डबल हेलिक्स हो गया, इसका मतलब वो डीएनए हो गया, अगर चैन खुल गया तो वो सिंगल हेलिक्स हो गया, इसका मतलब वो आरएनए हो गया। बात समझ में आई? आरएनए के जो जोड़ने वाली जो कड़ी होती है वो यही होती है, UGCA, यूरेसिन जाइगोमीन साइटोसिन एंड एडमिन। ये बात यहाँ पर आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। तो जो अभी तक टीकाकरण हो रहा था वो क्या कर रहा था कि जाके इसी स्पाइक प्रोटीन को ऐसे लॉक कर दे रहा था, स्पाइक प्रोटीन को लॉक कर दे रहा था, जिससे क्या होता था कि जो हमारे फेफड़े पर रिसेप्टर लगे हुए थे, जिसमें रिसेप्टर का काम यहाँ ऐसे होता है कि उसमें जो भी चीज फिट हो जाती है वो उसको खींच के अंदर ले जाता है। तो ये क्या कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन थी जाके उसमें फिट हो जाती थी, इसलिए उसको खींच के कोरोना वायरस को अंदर कर देता था। कोरोना वायरस अंदर जाते ही राइबोसोम को खोजता था। राइबोसोम का क्या काम है? फोटोकॉपी मशीन। वो क्या करती है कि उसमें क्या है क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, जो चीज उसमें रखी गई उसी की फोटोकॉपी मतलब धड़ाधड़ वही चीज वो बनाने लगती है, पता? क्लियर? तो कोरोना वायरस जाके राइबोसोम को खोजता था, राइबोसोम फोटोकॉपी करता चला जाता था, कोरोना वायरस यहां पे बढ़ता चला जाता था। सिंपल सी इतनी बात समझिएगा। अब बात समझते हैं रेमडेसिविर का काम क्या है। रेमडेसिविर इन्हीं, या तो सबसे पहली बात, अगर रेमडेसिविर जाए तो यहाँ या तो इस आरएनए की बॉडी को मारे या इसे जोड़ने वाली इन कड़ी को में से कुछ को उखाड़ फेंके, कुछ को तोड़ दे। तो वैज्ञानिकों ने हमारे कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने इस बॉडी को मारना थोड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन इसमें से एक कड़ी अगर खत्म कर दी जाए तो नकली बन जाएगी। जैसे सपोज कीजिए आप वो जिप बंद करते हैं, उसमें से एक जो कड़ी है वो नकली लगा दिया जाए तो आप चैन तो बंद करके बाजार चले जाएंगे, वहां पता लगेगा चैन में खुल गया। और या फिर मान लीजिए कि ट्रेन की पहिया वगैरह, इतनी पहिया है, चार चक्का है, एक चक्का प्लास्टिक का लगा दिया जाए, बाजार गए चक्का टूट गया गाड़ी नीचे, तो मतलब अगर वही सेम सिचुएशन यहाँ है कि अगर इसमें से एक भी कमजोर पड़ा तो कोरोना खत्म समझ लीजिए। तो ये रेमडेसिविर का काम क्या का है, ये एडमिन को टारगेट किए, एडमिन की फोटोकॉपी बनाए वैज्ञानिक लोग, जिसे GS44154 नाम से मतलब जाना जाता है, एडमिन, सिर्फ एडमिन को, इसी को रेमडेसिविर का नाम दिया गया, मतलब यही जाके इस बॉडी में हमारे लगा देते हैं। जब बॉडी में लग गया तो ये एडमिन के स्थान पे जाके ये जुड़ जाता था, GS441524, ये एडमिन के स्थान पे जाके जुड़ जाता है। अब जब ये एडमिन के स्थान पे जाके जुड़ा, यही एडमिन के स्थान पे जाके जुड़ा, तब ये कोरोना वायरस गया राइबोसोम के पास और फोटोकॉपी अपना करवाने लगा। तो जब फोटोकॉपी होने लगी तो एक एडमिन, दो एडमिन, तीन एडमिन, चार एडमिन, और धीरे धीरे करके इसे एडमिन होते उसमें चले जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि जब नकली कोरोना, जब ये एडमिन आ गया तो कोरोना धीरे धीरे, वो तो सोच रहा है कि हम अपने आप को जेनेटिक मटेरियल द्वारा बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो बढ़ नहीं रहा होता है, वो खूब ज्यादा हो गया, अचानक धड़ाम से बिल्कुल फेल, काम खत्म, वही वाला सिस्टम, चैन पूरा बंद हो गया, अगर एक नकली तो टोटल मामला खराब, पूरा खराब, कोई उसमें कुछ हम नहीं कर सकता था। तो यही रेमडेसिविर का हमारा काम होता था कि एडमिन को नकली बना के GS441524 के मतलब इसको रिप्लेस कर दिया जाता था, जिससे कोरोना वायरस जो है लगभग इसका काम खत्म हो जाता था, यहाँ पे आप बच जाने थे, इसमें कोरोना खुद मर जाता था और आप सांस आराम से ले लेने लगते थे। लेकिन कोरोना वायरस में इतना होशियार है, इसीलिए लोग कहते हैं कि इसको मतलब चाइना ने बनाया होगा, इतना होशियार है ये कि ये अपने आप को रिसर्च करता रहता है कि कुछ हमारे में नया चीज तो नहीं आ गया, कुछ बदलाव तो नहीं हुआ, कुछ ऐसी बाहर से चीज तो हम पर आक्रमण नहीं कर रही है। ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर इसमें होता है, जिसको बोलते हैं 3,5-hexoribonucleic कोरोना वायरस में एक, ये मतलब एक ही मतलब समझ लीजिए जैसे मानव में मस्तिष्क पाया जाता है, ऐसे कोरोना वायरस के पास 3,5-hexoribonucleic पाया जाता है।
इसका काम ही यही होता है कि कोरोना वायरस में कुछ चेक करे, कुछ ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर गलत चीज आ गया हो, नकली चीज या कोई हमें बाहर से आक्रमण हम पे कर रहा हो, इसका काम यही होता है। तो जब रेमडेसिविर लगाया गया तुरंत ये एडमिन को रिप्लेस किया, एडमिन के स्थान पर GS441524 आया, तो कोरोना वायरस का जो 35 न्यूक्लियर है ये तुरंत खोज लेता था इसको, इसको मार के बाहर निकाल देता था और एडमिन लगा देता था। मतलब इतना होशियार कोरोना, इसीलिए लोग कह रहे हैं, मतलब रिसर्च में तो साबित लगभग हुए हैं कि बनाया गया वायरस है, चाइना ने इसको बनाया है, तो ये तुरंत उसको खत्म कर ले। तो हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर और होशियार, आप बोले चलो तू एक मरी हो, हम जुड़ते कई सुई लगाए दिए, मतलब कहा है, मतलब ये साफ क्लियर बिल्कुल कि हर दो घंटे पर रेमडेसिविर लगाई गई, हर दो घंटे पर रेमडेसिविर लगाई गई। यहां से इससे क्या हुआ कि जो ये एडमिन था ये कई बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, तब कोरोना वायरस भी चकमा खा गया, ये भी चकमा खा गया, इसको लगने लगा कि हाँ बिल्कुल ये जो GS441524 है ये हमारा ही कोनो पार्ट है, ये हमारे पार्ट है कोनो, ऐसा इसको महसूस होने लगा। तो जब इसको ये फील होने लगा कि हमारा पार्ट है तो इसको रहने दिया, और जब लास्ट में जाके एक बैगर धड़ धड़ मर गया पूरा टोटल। जब लगभग हर दो घंटे पर रेमडेसिविर, हर दो घंटे पर रेमडेसिविर लगाई गई, तब जाके कोरोना वायरस को विश्वास हुआ कि हाँ ये हमारा ही कोनो पार्ट है, क्योंकि मात्रा ज्यादा हो गई, संख्या ज्यादा हो गई इसकी एडमिन की, मतलब GS441524 की। तो इसलिए कि कोरोना, तब जाके कोरोना यहाँ पे काबू होता है, हर दो घंटे पर रेमडेसिविर लगाई जाती है। रेमडेसिविर भारत में बनी वैक्सीन नहीं, विदेशों में बनाई गई है। भारत में रेमडेसिविर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दो कंपनियों को मिला है, हेटरो और सिप्रा। हेटरो जो कंपनी, मतलब जो दवा बनाती है उसे कोवी-4 के नाम से भारत में विकसित कर रखी है, और जो सिप्रा बनाती है उसे सिप्रेमी नाम से भारत में, ये दो दवा जो है कोवी-4 और सिप्रेमी, दो दवा यहां से भारत में इस समय मिल रही है। एक बात बिल्कुल मैं आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेमडेसिविर से ब्लैक फंगस का कोई ताल्लुकात नहीं है। ब्लैक फंगस एक अलग बीमारी है जिस जो रेमडेसिविर के कारण नहीं होती है। ब्लैक फंगस का मेन कारण है डेक्सामेथासोन, DEXAMETHASONE, डेक्सामेथासोन। ये एक स्टेरॉइड जैसे काम करता है, जैसे एक स्टेरॉइड काम कर रहा हो। स्टेरॉइड का मेन काम होता है कि हमारे इम्यूनिटी को शांत कर देता है, जिसके कारण ब्लैक फंगस जैसी छोटी सी बीमारी हम पर हावी हो जाती है। इसके कारण मैं कल एक स्पेशल वीडियो ब्लैक फंगस के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको ब्लैक फंगस कब होता है, कैसे होता है और इसको क्या किया जाए तो सही होगा, इन्हीं सारी बातों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।